एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बैंकिंग सब्जेक्ट की एग्ज़ाम सीरीज फोर्थ पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें जो है हमारा बैंक, अब उसी के हम फोर्थ पार्ट पर बात करेंगे जो है हमारा इम्पोर्टेंस। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अभी तक हमने बात कर लिया ओरिजिन क्या है, फंक्शंस क्या है, टाइप्स क्या हैं और हर चीज़ के ऊपर क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस में बात करें तो हमारी बैंक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो पहली चीज़ आपकी क्या है इम्पोर्टेंस में, कि ये आपको क्या करती है, आपका सेविंग्स इंक्रीज कर दिए क्या, इंक्रीजिंग सेविंग्स। ठीक, आपकी जो भी सेविंग्स है उसको इंक्रीज कर रही है, प्लस दूसरी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, ये आपकी सेविंग्स को इंक्रीज कर रही है, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, साथ में आपकी जो पेमेंट है वो भी इजी हो रही है, पेमेंट इजीली हो रही है। ठीक, इतनी चीज क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, इनकरेज सेविंग्स हमारा हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पेमेंट इजीली हो गई हमारी, और क्या सेफ कस्टडी प्रोवाइड करती है। सेफ कस्टडी में क्या होता है आपका, सेफ कस्टडी ये क्या कहता है, सेफ कस्टडी यानी कि बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आप अपनी ये जो भी कीमती चीजें उन सबको पूरा सेफली रखते हो। ठीक, तो ये हो गया सेफ कस्टडी। फिर हो गया हेल्प इन अरेंजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, आपके जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं उन सब के उसमें भी आपको मदद करती है। ठीक, साथ में आपकी जो भी बिजनेस है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करती है, प्लस आपके जो भी बिजनेस को इनकरेज करती है, लिख लीजिए इनकरेज बिजनेस, इसको भी इनकरेज करती है हमारी बैंक। और क्या करती है हमारी बैंक, हमने क्या क्या देखा, इंक्रीज सेविंग्स, हमारी सेविंग्स को हमारे अंदर एक हैबिट लेकर आ रही है कि हम सेविंग्स करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे मनी सर्कुलेट हो रहा है, कहीं पे भी पैसा रुका नहीं है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पेमेंट इजीली हो रही है, हम अपने पैसों को जो भी हमें पेमेंट करनी रहती है तो ऑनलाइन पेमेंट का हो गया है, जिसमें आप क्या करते हो फॉरनली पेटीएम वगैरह ये सब कर देते हो, जिससे आपकी पेमेंट ईजिली हो जाती है। फिर सेफ कस्टडी आपको लॉकर्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके जो शेयर्स मार्केट इन सब को भी हैंडल करती है, देखती है, इन सब की भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराती है। फिर एनकरेज बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस है उसको इनकरेज करती है ताकि आप बिजनेस कर सको, उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। साथ में आपके जो भी इंटरनल ट्रेड है, इनकरेज टू इंटरनल ट्रेड, आपका जो इंटरनल ट्रेड है उसको इनकरेज करती है, अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आप आराम से उसको कर सको, उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। साथ में आपके फॉरेन एक्सचेंज, हमारा जो भी एट अगर बोले तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें भी हेल्प करती है, आप अपने पैसों को कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप फॉरेन ट्रेड भी आराम ईजिली कर सकते हो। तो हमने ये सारी कुछ चीज़ें देखी, और भी एक चीज़ है आपकी क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आप क्या देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी बैंक की इम्पोर्टेंस हो गई। इसको हम विदाउट बुक को उठाए भी देख के कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो हमको पता है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे हमारी बैंक। अगर आप ऐसे भी देखो तो हमारी बैंक हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें सेविंग्स इनकरेज कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, हमें लोन प्रोवाइड कर रही है, हमारे पैसों को ट्रांसफ़र कर रही है, हमें लॉकर की सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। तो इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी तो ये सब इसके क्या हो जाएंगी, इम्पोर्टेंस ही तो कहलाएंगी। सो ये था आपका पूरा इम्पोर्टेंस। आप इसके हेडिंग्स को याद कर लो, उसके बाद में दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिख दो तो आपको एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक,
सो आई विश आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और ऐसे ही हम लोग की गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे हम आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। कॉमर्स सेक्शन का पूरा कोर्स हो रहा है। अगर आप चाहते हैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है स्टार्टिंग टू एंड, तो अभी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें सब बच्चे अपना स्टार्टिंग टू एंड तक के कोर्स कवर कर रहे हैं। सो जाइए जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।